दोस्तों आज मैं द डिसेंट 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने इसके पिछले पार्ट को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए, आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कार को जंगल में जाता हुआ देखते हैं जिसके सामने अचानक एक हिरन आ जाती है। जैसे ही ड्राइवर कार को रुकता है तभी एक लड़की उस ड्राइवर से हेल्प मांगते हुए उसकी कार के पास आती है। यह लड़की सहरा थी जिसे पार्ट 1 में उस केव में दिखाया गया था। सहरा खून से लथपथ कार में बैठे एड नाम के ओल्ड मैन से मदद मांगती है। लगता है सहरा उस केव से किसी तरह बचकर बाहर आ गई थी। इसके बाद हम इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में हुए इंसिडेंट के 2 दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ एक न्यूज रिपोर्टर उस हादसे की रिपोर्ट कवर कर रही होती है जो कि लास्ट ईयर हुए किसी एक्सीडेंट को इस एक्सीडेंट से कंपेयर कर रही होती है। इसके बाद हम एक एक्सपर्ट रेस्क्यू टीम को देखते हैं जिसमें 2 लड़के डैन, ग्रेग और एक लड़की कैथ है। ये टीम सहरा और उसकी 5 फ्रेंड्स को सर्च कर रहे होते हैं जो कि अभी एक केव में उन्हें ढूंढ कर आ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें गलत केव में ढूंढ रहे थे क्योंकि सहरा और उसकी सभी फ्रेंड्स किसी अननोन केव में गए थे। वहीं इस केस को शेरिफ विंस और उनकी डेप्यूटी एलन हैंडल कर रहे थे, जहां शेरिफ विंस के पास एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि इस हादसे से बची सहरा नाम की लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है जो कि अभी भी जिंदा है। इसीलिए वींस किसी को बिना कुछ बताए एलन के साथ सहरा से पूछताछ करने हॉस्पिटल निकल जाता है, जहां उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि सहरा के कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा हुआ था जो कि इंसानों का खून यानी सहरा की फ्रेंड्स का है। वींस सहरा को लेकर बहुत डाउटफुल था क्योंकि वो अकेली ही उस केप से सही सलामत वापस आई थी। अब एलन सहरा से पूछताछ करती है जहां पता चलता है कि सहरा को लास्ट 2 दिन का कुछ भी याद नहीं है। तभी सहरा एलन से अपनी बेटी जैसिका के बारे में पूछती है, जिसे सुन एलन उसकी बात को काटती है क्योंकि एलन जानती थी कि सहरा के हस्बैंड और बेटी की पिछले साल एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। इसके बाद वींस डैन को कॉल करके बताता है कि 6 लड़कियों में से सहरा नाम की लड़की जिंदा है जो कि अभी हॉस्पिटल में है। साथ ही डैन को यह बात उस तक ही रखने को कहता है। इसके बाद विंस डैन को उसकी टीम को लेकर उसी जगह जाने को कहता है जहां से सहरा को वो ओल्ड मैन एड मिला था। इसके बाद एड एक पुलिस ऑफिसर को उसी जगह ले जाता है जहां उसे सहरा मिली थी, जहां कुछ दूरी पर वो लड़की के ओल्ड माइन चैपल में पहुंच जाते हैं जिसे एड ऑपरेट किया करता है। पुलिस ऑफिसर अपने शिकारी डॉग को उसके अंदर भेजता है जो कि अंदर जाकर बहुत डर जाता है और वहां से बाहर आ जाता है। इससे हमें समझ आता है कि डॉग ने अंदर कुछ अजीब देखा था। वो जानता था कि अंदर क्या है क्योंकि डॉग्स के सूंघने की पावर बहुत ही ज्यादा होती है और उन्हें वो चीजें दिखती हैं जो इंसान नहीं देख सकते। अब विंस सहरा को अपने साथ उसी माइन में ले जाता है ताकि वो सहरा की मदद से उस केव में जाकर बाकी की लड़कियों को ढूंढ सके। ये माइन अंदर से काफी बड़ी थी जिसमें केव में नीचे उतरने के लिए लिफ्ट बनी हुई थी। ये वही केव थी जहां सहरा और उसके फ्रेंड्स गए हुए थे। एड बताता कि कई सालों पहले उसके ग्रैंडपा और उनके 2 दोस्त नीचे गए थे जिन्होंने एक पूरा नया केव सिस्टम ढूंढ लिया था, जिन्हें इस केव में और भी ज्यादा नीचे सर्च करने भेजा गया क्योंकि उन्हें वहां गोल्ड के होने की उम्मीद थी, लेकिन वो वहां से कभी भी वापस नहीं लौट सके। इसके अलावा एड बताता है कि शायद उस केव में कोई शैतान है जिसने उन्हें मार दिया होगा। इसके बाद सहरा, विंस, एलन और रेस्क्यू टीम डैन, ग्रेग और कैथ उस केव में जाने के लिए एक पुराने लिफ्ट सिस्टम में चढ़ जाते हैं जिन्हें एड अजीब नजरों से देखता है। मतलब एड कुछ ऐसा जानता था जो उसने शेरिफ विंस को नहीं बताया था। सभी लोग उस लिफ्ट से नीचे जाते हैं जहां उन्हें रिबेका की बॉडी दिखाई देती है जो कि सड़ चुकी थी। ये देख सहरा को 2 दिन पहले हुआ हादसा याद आने लगता है जो कि उस क्रीचर क्रॉलर्स के बारे में होता है। सहरा को ऐसे देख शेरिफ को उस पर शक होने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अगर 6 लड़कियों में से सिर्फ 1 लड़की कैसे जिंदा बची है। शेरिफ को सहरा पर ही शक होता है कि सारे मर्डर उसने ही किए होंगे, इसीलिए शेरिफ अपनी डेप्यूटी एलन से सहरा पर नजर रखने का कहता है ताकि वो यहाँ से भाग ना जाए। इसके बाद थोड़ा आगे जाने पर सहरा को सब कुछ याद आने लगता है कि इस केव में क्रीचर थे जिन्होंने उसके ग्रुप पर अटैक कर दिया था। सब कुछ याद आने पर सहरा अचानक सभी पर हमला करके अकेले वहाँ से भाग जाती है। अब क्योंकि सहरा ने ये इतना सडन किया था कि कोई भी उसे भागते हुए नहीं देख पाया कि आखिर वो किस ओर गई है। अब सब अलग हो जाते हैं जहाँ शेरिफ सहरा को ढूंढने निकल जाता है। इस दौरान एक क्रॉलर आकर शेरिफ पर अटैक कर देता है। शेरिफ को कुछ भी समझ नहीं आता और वो गन फायर करने लगता है। इस कारण वहाँ पर मौजूद पत्थर अपनी जगह से मूव करने लगते हैं। दूसरी ओर कैथ अपने ग्रुप से अलग हो जाती है और टनल के टूटे हुए पत्थर के बीच फंस जाती है। इसके बाद डैन, ग्रेग और एलन पत्थर से कैथ को बचाने के लिए दूसरे रास्ते की खोज में निकल जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ कैद को बचाने का दूसरा रास्ता जरूर होगा। वो तीनों रास्ता खोजते खोजते ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि जानवरों और इंसानों की हड्डियों से भरा हुआ था। दोस्तों ये वही जगह थी जहां पर पिछले पार्ट में होली और बैथ की डेथ हुई थी। वहीं पर उन्हें एक कैमरा मिलता है जिसमें वो देखते हैं कि सभी को क्रॉलर्स ने ही मारा है। इसी जगह हम सहरा को देखते हैं जो पत्थर के पीछे छुपकर बैठी हुई थी। तभी वहां क्रॉलर्स आ जाते हैं और उन तीनों पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं और ग्रुप से अलग हो जाते हैं। तभी एलन अपने ग्रुप को ढूंढने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज सुनकर क्रॉलर वहां आ जाता है। क्रॉलर एलन की आवाज का पीछा करते हुए उसके पीछे अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो उसे मार पाता तभी सहरा एलन का मुंह बंद करके उसे क्रॉलर से बचा लेती है क्योंकि सहरा जानती थी कि क्रॉलर देख नहीं सकते, वो बस आवाज सुनकर शिकार किया करते हैं। इसके बाद वहां एलन को आवाज लगाते हुए डैन आ जाता है। इसकी आवाज सुन क्रॉलर डैन पर अटैक कर उसे मार देता है। अब एलन और सहरा अपने सामने ही उस क्रॉलर को डैन की बॉडी खाते हुए देखती है और फिर वो क्रॉलर डैन की बॉडी को खींच कर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सहरा एलन को बताती है कि वो क्रीचर अंधेरे में नहीं देख सकते और वो आवाज को सुनकर या लाइट को देखकर अपना शिकार किया करते हैं। अब एलन और सहरा बाहर जाने के रास्ते की खोज में आगे बढ़ते हैं। यानी रास्ते में कई क्रॉलर्स मिलते हैं जिनका सामना करते हुए दोनों सही सलामत बच जाते हैं और एक ब्लैक वाटर से भरे पूल में गिर जाते हैं जिसमें ब्लैक कलर का कोई मटेरियल तैर रहा था। जिसे देख एलन सहरा से उस ब्लैक मटेरियल के बारे में पूछती है कि वो आखिर क्या है। इसके बारे में सहरा को भी कुछ आइडिया नहीं होता। तभी हम वहां पर एक क्रॉलर को देखते हैं। इसे देखकर पता चलता है कि उस पूल में क्रॉलर्स का वेस्ट मटेरियल है, यानी वो पूल उनका वॉशरूम है। इसके बाद हम कैथ को देखते हैं जहां पर एक क्रॉलर उसे मारने आता है जिससे
इससे डरकर कैथ उसे टनल से बाहर निकलने लगती है। तभी उसे क्रॉलर का शरीर पत्थर से दब जाता है, इससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कैथ अपनी टीम को ढूंढने लगती है, जहां उसे ग्रेग मिल जाता है। वो कैथ को बताती है कि डैन की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा वो कैथ को कहता है कि वो डैन को नहीं बचा सका, लेकिन वो उसे जरूर बचाएगा, इसीलिए उन्हें किसी भी तरह से आगे बढ़ते रहना होगा। दोस्तों, कैथ डैन को पसंद किया करती थी और ग्रेग कैथ को, यानी इन तीनों के बीच लव ट्रायंगल था। इसके बाद कैथ और ग्रेग एक जगह जाकर एक दूसरे को सहारा बनाकर पत्थरों पर बैठ जाते हैं और अपने आप को सेव कर लेते हैं, जो कि उनकी माउंटेन ब्रेकिंग की ओल्ड ट्रिक है। अब यहां शेरिफ को डैन की डेड बॉडी मिलती है। शेरिफ डैन का ट्रांसमीटर लेकर उससे सबके बारे में पूछने लगता है। इधर कैथ और ग्रेग के रिसीवर में शेरिफ की आवाज आने लगती है, जिस वजह से दोनों के नीचे मौजूद क्रॉलर अलर्ट हो जाती है। लेकिन वो दोनों किसी तरह ऊपर चढ़ते हैं और अपने रिसीवर को नीचे फेंक देते हैं, जिसकी आवाज के पीछे वो क्रॉलर वहां से चला जाता है और दोनों बाल बाल मरने से बच जाते हैं। अब ग्रेग और कैथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सैम की डेथ हुई थी। वो दोनों सैम की बॉडी को हुक की तरह यूज करके जाने लगते हैं। अब जैसे ही कैथ दूसरी तरफ जाने लगती है, तभी उस साइड से एक क्रॉलर आकर कैथ को मारने की कोशिश करता है, जिसे देख ग्रेग कैथ की जान बचाने के लिए उस क्रॉलर के ऊपर कूद जाता है और उसके साथ खाई में गिर जाता है, जिससे अब ग्रेग की भी मौत हो जाती है। लेकिन कैथ जैसे ही दूसरी साइड पहुंचती है, वहां पीछे से क्रॉलर आ जाते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। इधर हम सेरा और एलन को एक जगह पर देखते हैं, जहां एलन अपना फोन को देखती है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं होता। एलन कहीं ना कहीं समझ गई थी कि वो शायद ही यहां से जिंदा निकल पाएगी, इसीलिए वो फोन में अपनी बेटी के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। इस पर सेरा कहती है कि वो ये बात रिकॉर्ड ना करे और सारी बातें बाहर जाकर अपनी बेटी को बताए, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है और यहां से किसी भी तरह बाहर निकलेंगे। दूसरी तरफ शेरिफ पर क्रॉलर अटैक करते हैं, लेकिन तभी वहां जूनू आ जाती है और शेरिफ को क्रॉलर से बचा लेती है। दोस्तों, जूनू अभी भी जिंदा होती है, जो कि इंजर्ड थी, जिसने इन दो दिनों में क्रॉलर्स को मारना और उनसे बचकर रहना सीख लिया होता है। इसके बाद शेरिफ, जूनू, एलन और सेरा चारों एक जगह पर आपस में मिल जाते हैं, जहां सेरा और जूनू एक दूसरे से मिलने के बाद लड़ाई करना शुरू कर देती है, जिन्हें शेरिफ लड़ने से रोकता है, क्योंकि अगर उन्हें यहां से जिंदा बाहर निकलना है तो सभी को मिलकर काम करना होगा, जिससे वो सभी सर्वाइव कर सके। तभी जूनू बताती है कि उसे यहां से बाहर निकलने का रास्ता मालूम है। इस पर सेरा कहती है कि अगर तुम्हें रास्ता मालूम है तो यहां से अभी तक बाहर क्यों नहीं निकली। जूनू बताती है कि उसके पास टॉर्च नहीं थी और उनके पास टॉर्च है, इसीलिए वो यहां से निकल सकते हैं। सेरा जूनू के साथ आना नहीं चाहती थी, इसीलिए शेरिफ सेरा को अपने साथ हथकड़ी पहनाकर ले जाता है। इसके बाद जूनू सभी को क्रॉलर्स के खाना खाने की जगह पर ले जाने का कहती है, क्योंकि वहीं से क्रॉलर्स आते जाते थे। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां उन्हें एक ब्रिज जैसा बना हुआ रास्ता दिखाई देता है। ये रास्ता बहुत ही कमजोर था, जो पत्थरों से टिका हुआ था, जहां से एक एक करके ही दूसरी ओर जा सकते थे। लेकिन शेरिफ और सेरा के हाथ एक दूसरे से बंधे हुए थे, इसीलिए दोनों जैसे ही एक साथ उस जगह को पार करते हैं तो वो नीचे गिरने लगते हैं। जिन्हें गिरता देख जूनू सेरा का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेती है। तभी नीचे से क्रॉलर्स पत्थर पर चढ़ते हुए आने लगते हैं, जो शेरिफ के सहारे ऊपर आने की कोशिश करते हैं, इसीलिए एलन शेरिफ का हाथ काट देती है, इससे सभी क्रॉलर्स शेरिफ के साथ नीचे खाई में गिर जाते हैं। एलन ऐसा इसीलिए करती है जिससे क्रॉलर्स उन सभी को ना मार सके, और उसे तीन लोगों की जान बचाने के लिए किसी एक की जान का बलिदान देना कोई गलत नहीं लगता। इसके बाद सेरा, एलन और जूनू क्रॉलर्स के खाने की जगह पर पहुंच जाते हैं। वो देखती है कि एक क्रॉलर बाहर से किसी जानवर को मारकर अंदर ला रहा होता है। ये क्रॉलर बाकी के क्रॉलर से साइज में काफी बड़ा था, इसे देखकर लग रहा था कि ये सभी क्रॉलर्स का लीडर है, क्योंकि बाकी के क्रॉलर्स उससे डर रहे थे। वो तीनों किसी तरह से उस क्रॉलर से छुपकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तभी ग्रेग, जो कि मरने की कंडीशन में ही था, वो जूनू का पैर पकड़ लेता है ताकि जूनू उसकी भी मदद करे। लेकिन जूनू डर के कारण चिल्लाने लगती है, जिससे सभी क्रॉलर्स उसकी साइड आने लगते हैं और उन्हें क्रॉलर से फाइट करनी पड़ती है। इसमें ग्रेग की डेथ हो जाती है, लेकिन उसके पैर पकड़ने के कारण उन तीनों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। अब वो लोग किसी तरह सारे क्रॉलर्स को मार देते हैं, लेकिन क्रॉलर का लीडर, जो कि बहुत पावरफुल है, वो जूनू को पकड़ लेता है, जिससे सेरा उसे क्रॉलर से बचाने की कोशिश करती है। अब भले ही जूनू ने सेरा को चीट किया हो, लेकिन वो उसकी फ्रेंड थी, इसीलिए वो वहां से भागने की बजाय उसे बचाने लगती है। इस दौरान लीडर क्रॉलर जूनू के बैक पर अटैक कर उसे बहुत इंजर्ड कर देता है। सेरा को कुछ समझ नहीं आता और वो उसे लीडर क्रॉलर के गले पर काट लेती है, जिससे उसे लीडर की डेथ हो जाती है। इसके बाद जूनू अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सेरा से माफी मांगती है कि वो बहुत शर्मिंदा है, जो उसने उसके और फ्रेंड्स के साथ ऐसा किया। सेरा ये सुनकर कहती है कि वो उससे अब नाराज नहीं है और उसे सब कुछ भूलने का कहती है। लेकिन देखते ही देखते जूनू सेरा की गोद में ही अपना दम तोड़ देती है। तभी वहां बहुत सारे क्रॉलर्स आ जाते हैं, जो एलन को घेर लेते हैं। वो एलन पर अटैक कर पाते इससे पहले सेरा जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे सभी क्रॉलर्स उसकी साइड अट्रैक्ट हो जाएं और वो सभी क्रॉलर्स सेरा को मार दें और एलन यहां से जिंदा बाहर निकल सके। असल में सेरा ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि उसने एक साल पहले अपनी फैमिली को खो दिया था और अब अपने फ्रेंड्स को भी खो चुकी थी। उसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची थी, लेकिन वो जानती थी कि एलन की फैमिली है, इसीलिए वो उसे वहां से जिंदा बाहर निकलने के लिए अपना बलिदान दे देती है। इसके बाद ठीक ऐसा ही होता है, क्रॉलर्स सेरा को मार डालते हैं और एलन किसी तरह वहां से बाहर निकल जाती है। एलन उसी जगह से बाहर निकलती है जैसा पिछले पार्ट में सेरा ने अपने इल्यूजन में सोचा था। अब एलन एक पेड़ के पास जाकर अपने फोन से इमरजेंसी कॉल करने लगती है। तभी वहां एड आ जाता है, जिसकी कार से सेरा टकराई थी और उसने सेरा को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। साथ ही एड ही सभी को इस लकड़ी के माइन में लाया था। एड एलन की मदद करने की जगह उस पर पीछे से अटैक कर देता है और एलन को बेहोश करके उसे उसी हाल में ले जाकर फेंक देता है, जहां से वो बाहर निकली थी। तभी वहां एक क्रॉलर आता है और एलन को अपने साथ नीचे ले जाता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, एड ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का कारण हमें नहीं दिखाया गया, पर कुछ बातें हैं जिससे हम एड के ऐसा करने का कारण समझ पाते हैं। जैसे एड पहले से ही जानता था कि इस केव में कौन रहता है, और कई साल पहले एड के ग्रैंडपा इस केव में गए थे। साथ ही केव के अंदर जून और सेरा को एक ओल्ड टूल बॉक्स मिला था,
था जो कि कई साल पुराना था, यानी वो टूल बॉक्स एड के ग्रैंडपा का था। जब एड के ग्रैंडपा उस केव से बाहर नहीं आए तो एड उन्हें देखने नीचे गया होगा, जहाँ उसने क्रॉलर्स को बाहर आते हुए देखा होगा। इसीलिए शायद एड नहीं चाहता होगा कि क्रॉलर्स कभी बाहर आए। एड बाकी सभी लोगों को बचाने के लिए उन क्रॉलर्स को खाना देता होगा। इस वजह से उसने एलन को मारकर वापस उसे केव में धकेल दिया ताकि क्रॉलर्स का राज बाहर ना सके। यह कारण भी हो सकता है कि वो नहीं चाहता होगा कि क्रॉलर्स इस जंगल से बाहर आए, क्योंकि इससे इंसानों की प्रजाति खतरे में आ सकती है। इसीलिए वो उनका केव में ही डिनर कराकर वहीं पर रोके हुए था। खैर, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो।